वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें एंड रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर नेचर. नथिंग एल्स आई वांट टू से. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी एपिसोड 1 श्रीनगर टू ले. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. सो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस जर्नी को इन्जॉय करें मेरे साथ. And also, don't forget to subscribe to my channel and give my video a thumbs up because that's really important to me. So let's begin our journey. So we are starting for our journey from Srinagar and यहाँ हम रुके थे. बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पे, तो हमने रुकने का सोचा. And this is the restaurant जो बिल्कुल नदी के साथ है. एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे छोले पूरी एंड परांठे मिलते हैं, तो काइंड ऑफ अ ब्रंच और यू कैन से अ लंच, ये दोनों ही थे हमारे यहाँ पे. एंड वी ट्राइड आर बेस्ट टू एक्सप्लोर दिस मेन्यू कार्ड. आई एम ट्राइंग टू शो यू कि क्या है. बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था. अगर श्रीनगर के बाद आप कहीं रुकना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर रुके. यहाँ के परांठे मुझे बहुत अच्छे लगे बिकॉज वेराइटी बहुत है. सो वी हैव ऑर्डर्ड गोभी का परांठा एंड वन मेथी एंड प्याज का परांठा. They serve with the chutney and chutney is rather tasty. I think paranta khane ka matlab bahut time baad aaya, wo yahan pe aaya. So kehte hai na, pet pooja aur fir kaam dooja. So we have done our पेट पूजा and now begin our journey. So ले यहाँ से है 354 किलोमीटर. सो आपको लगेगा कि 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे, बट आप कुछ नहीं कह सकते कितने घंटे लगने वाले हैं बिकॉज हम काफ़ी जगह रुकते हैं फिर चलते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाता है. बिकॉज द व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल, आपको बहुत मज़ा आएगा इस जर्नी में. इतना सुंदर व्यू है, लाइक इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. एक बार को भी ये नहीं लगा कि हाँ हम थक रहे हैं, इट्स वेरी टायरिंग, तबीयत ख़राब हो रही है. नो, नथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी वेरी गुड जर्नी एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर एंड रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू बी हेयर बिकॉज बहुत ही प्यारी जगह है. जम्मू एंड कश्मीर इज़ लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस. एंड यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स लग गए करगिल पहुँचते पहुँचते. बहुत दूर है करगिल. देखते वक्त हम गूगल मैप पे जो देखते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट. एंड रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता है, काफ़ी जाम मिले हमें, काफ़ी लैंडस्लाइड्स थे, तो उस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया पहुँचते पहुँचते. सोनमार्ग भी हम प्रॉपरली रुक नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था. गाइस, वी आर फाइनली एट सोनमार्ग. एज यू कैन सी बिहाइंड मी कितना सुंदर व्यू आ रहा है. सारे ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं. बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. आई थिंक आई नीड वन मोर जैकेट. एंड इस टाइम बारिश हो रही है एंड आई एम बारिश बहुत हो रही है सुबह से एंड उसी की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है. लुक एट दिस व्यू राइट. सो श्रीनगर से करगिल 202 किलोमीटर्स है. सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो जर्नी है कुछ पार्ट्स में रखें कि श्रीनगर से करगिल जाएं एंड देन करगिल में नाइट स्टे करके आप ले जाएं, तभी आप थोड़े रिलैक्स भी रहेंगे और आप इन्जॉय भी कर पाएंगे. सो सोनमार्ग से चलने के बाद 1 घंटे की दूरी पे आपको दिखेगा ये बालटाल जो कि ज़ोज़िला पास की एंट्रेंस में आता है. यहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और यहाँ पे बेस कैंप दिखेगा आपको जहाँ पे सारे यात्री स्टे करते हैं रात को. और यहाँ से अमरनाथ की यात्रा 14 किलोमीटर की होती है. काफ़ी मिलिट्री की प्रोटेक्शन यहाँ पे रहती है, जगह जगह वो लोग रहते हैं. हमें बहुत शौक थी देखकर कि इतने डिफ़िकल्ट एरिया में वो कैसे मैनेज करते हैं एंड कैसे वो हम लोगों के लिए मतलब दिन रात ड्यूटी देते हैं. सो आई वांट टू सैल्यूट आर इंडियन आर्मी फॉर दैट. एंड ज़ोज़िला पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस प्लेस एंड अभी तक जितनी भी हमने जर्नी करी उसमें सबसे ज़्यादा स्केरी मुझे यही लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखे मैंने रास्ते में. ट्रैफिक इतनी देर तक रहा कि हम काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, लाइक 2 से 3 घंटे तो हमने वहाँ बिता दिए. यात्रा है वो शुरू होती है ट्रैकिंग.
अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप श्रीनगर से निकलें करगिल के लिए तो अर्ली मॉर्निंग ही निकले, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप डे लाइट में इसे क्रॉस कर देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि करगिल पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप इसको जल्द से जल्द क्रॉस करें, तो जितनी रोशनी में आपको ये एरिया क्रॉस हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। ज़िला प्रास क्रॉस करने के बाद आप पहुँचेंगे ज़ीरो पॉइंट। बहुत ही सुंदर जगह है, एंड यहाँ अगर आप दिन में पहुँच जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप पिक्चर्स ले सकते हो। बट अनलक्कीली जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक नहीं था, इतनी ज़्यादा ठंड थी, आई थिंक लाइक माइनस में टेम्परेचर था। सो रात को अराउंड 9 बजे हम पहुँचे थे करगिल जी। ये हमारा होटल सियाचिन है जहाँ हमने स्टे किया था। थैंक यू टू आर टूर ऑर्गेनाइजर द ट्रैवल मेट्स हु ऑर्गेनाइज्ड आर ट्रिप एंड मेकिंग इट वर्थ। एंड ब्रेकफास्ट यहाँ का काफ़ी अच्छा था। आई एम गोइंग टू गिव द लिंक डाउन बिलो, सो आप भी अपने जितने भी ट्रिप्स हैं उनके थ्रू ऑर्गेनाइज करा सके, बिकॉज दे हैव सच गुड अरेंजमेंट एंड वी इंजॉयड इट थरली। सो आफ्टर हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट वी आर रेडी फॉर ले, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो करगिल इतनी छोटी भी
नहीं है जगह, मतलब आई थॉट के कर्गिल में कुछ भी नहीं होगा, बट काफ़ी था, काफ़ी बड़ी मार्केट थी एंड काफ़ी चीज़ें थी, खाने की शॉप्स बहुत ज़्यादा थी एंड ज़्यादा मार्केट में निकले नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, बट लेट मी शो यू जो भी मैंने रिकॉर्ड किया, सो आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है ये कर्गिल। कर्गिल में अगर आप हो तो यू मस्ट विजिट कर्गिल वॉर मेमोरियल, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द्रास वॉर मेमोरियल, एंड टू रीच देयर यू शुड टेक अ टैक्सी फ्रॉम द्रास टू कर्गिल, दैट इज़ द बेस्ट वे टू रीच देयर। प्रॉब्लम इज़ कि हमें जल्दी निकलना था तो वी आर नॉट एबल टू गो देयर, सो बट आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू मिस इट, सो आई एम गिविंग यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सो दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस। का जो ट्रिप है वो काफ़ी एडवेंचर जंकीज, ट्रैवल फ्रीक्स एंड बाइक राइडर्स को अट्रैक्ट करता आ रहा है, एंड व्हाट मेक्स दिस ट्रिप मेमोरेबल इज़ दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ 218 किलोमीटर्स फ्रॉम कर्गिल टू ले, एंड अमंग 218 किलोमीटर्स 29 किलोमीटर इज नेशनल हाईवे 1D, एंड आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लगते ही हैं ले पहुँचते, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर आप ज़्यादा जगह रुकेंगे। वैसे हम इतनी जगह रुके उसके बावजूद हमें लाइक 6 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचते, तो इतना जर्नी टाइम आप ज़रूर लेके चले। सो कर्गिल टू ले गोज़ अलॉन्ग साइड द ब्यूटिफुल इंडस रिवर, जो आपको थोड़े टाइम बाद नज़र आएगी when you going to reach near Leh, और अभी हम पहुँचे हैं नमिकला, which is the best place to take pictures, so stop here and take really good classic pictures. सो नेक्स्ट हम पहुँचे थे लमायरू मोनेस्ट्री, जिसको यूरो मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। दिस इज़ द फॉर्मोस्ट बॉर्न मोनेस्ट्री इन लद्दाख एंड इट्स सो ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, एंड ये इसकी एंट्रेंस है वेयर आई ट्राई टू वर्शिप फॉर अ वाइल। आयरू का मतलब है सुवास्तिका, विच इज़ अ पॉपुलर सिंबल इन बॉर्न फॉर इटर्निटी, एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड मेरे को इतना शॉक लगा व्हेन आई गॉट टू सी लाइक करेंसी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर, एंड आपको वो देख कर लगेगा कि कितने लोग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक केम हियर एंड डोनेटेड, एंड इट्स सच एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस टू सी ऑल दैट, एंड ये अंदर से भी बहुत सुंदर है, एंड व्हेन यू गो आउट लाइक व्हेन यू गो अपस्टेयर्स यू सी द ब्यूटिफुल व्यू ओवर देयर। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट लमायरू इज़ होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख, एंड व्हाट आई गॉट टू नो इज़ दैट दिस प्लेस वॉज वंस अ लेक दैट ड्राइड अप, सो दैट इज रियली शॉकिंग फॉर मी। So look at this view from the top of this monastery. I think you're gonna love it because I loved it, and bahut pictures liye humne yahan pe, kafi enjoy kara, chill kiya, and then we move ahead and started a journey again, and iske baad we thought we should have a good lunch at some place because I'm really damn hungry. सो हमारे लंच के लिए हम रुके खालसी विलेज में, जो आपको लमायरू के बाद मिल जाएगा। दिस प्लेस इज़ हैज सम रियली गुड ऑप्शंस। पहले हम गए थे इसमें कश्मीरी रेस्टोरेंट में, बट यहाँ सारे नॉन वेज ऑप्शंस थे, जो हमारे साथ जो लोग थे दे ऑल आर लाइक प्योर वेजिटेरियन गुजराती पीपल,
So we went to this another restaurant which is a pure vegetarian and humne yahan kafi acha lunch kiya. Best part of this lunch is this full glass of lassi which I enjoyed thoroughly because I really needed it and bahut tasty thi. So you must try it. One of the best sights that cannot be missed out during this Ladakh trip is Indus and Zanskar River confluence. This place is also called as Sangam, which is its second name. That I'm going to show you in my next episode, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी लद्दाख जो मैंने locally explore किया and जो nearby जितनी भी जगह थी locations थी जो हमने explore की. So stay tuned for my next episode. After watching this video, definitely go for that. And अब हम पहुँचने वाले Leh and I'm really excited because I waited for it so badly. And सामने हमें Leh दिख रहा है. This is how Leh welcomes you. क्योंकि उस time शायद video में नहीं आ रहा है but हल्की हल्की rainbow बन रही थी. It's so beautiful view. And पहुँच कर इतना relaxed feel हुआ that I finally at Leh. This is like one of my dream to go there and I'm finally here. So it's really really overwhelming for me and I hope you enjoyed this journey along with me. And don't forget to share and subscribe to my channel. Also I request you people ki apne friends ke saath bhi ye share karna and give my video all your support. And don't forget to watch my all next episode jisme aapko main Khardungla, Nubra Valley and Pangong Lake sara apni journey jo hai aapke saath share karne wali hu. So till then, bye bye, take care and stay tuned for my next episodes. They are going to come very soon. So till then, bye bye, take care, love you all. And I'm finally at Leh and the hotel where I stay, they welcomed me really nicely and I'm really really happy to be here.